लखनऊ में त्योहारों को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने बैंक चेकिंग का अभियान चलाया, जहां 10 से 12 घंटों के दौरान सभी थाना क्षेत्रों में 600 से ज्यादा बैंकों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया, जिसमें खुद जेसीबी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने हजरतगंज पर इलाहाबाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों को चेक किया। इस दौरान बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियां भी पाई गई, जिसमें बैंक अधिकारियों को सिस्टम सही करने के आदेश दिए गए। सर, बैंकों की चेकिंग के बाद निकले हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था चेक कर रहे हैं और कोई कमियां जो मिली हैं उसको लेकर कोई आदेश जारी किया गया? देखिए, मैं जब से यहाँ कमिश्नरेट बना, हम लोग बैंकों को बहुत प्राथमिकता पे रखते हैं और उसकी सुरक्षा को। आपने देखा होगा, ये चेक चौथी बार हम इस तरह के चेकिंग कर रहे हैं, और पिछली बार हम लोगों ने एक दिन में 600 बैंक ब्रांचेस चेक की थी, और आज भी हमारा टारगेट है कि हम 600 प्लस बैंक ब्रांच चेक करेंगे। सब इंस्पेक्टर एंड अबव पूरे कमिश्नरेट में एक साथ 10 से 12 के बीच में चेकिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग एक बैंक चेक करके आए हैं, ये दूसरा है, और यहाँ आ जाने के बाद जितनी चीज़ें हमने देखी कि अभी इनके पास एक तो CCTV मॉनिटरिंग के लिए कोई बंदा नहीं है, सिर्फ वो चल रहे हैं कैमरे, रात का फीड निकाल के देने के लिए इनके पास कोई अभी तैयारी नहीं है, सिक्योरिटी ऑडिट रजिस्टर फिलहाल नहीं खोज पाए हैं ये, अलार्म फायर अलार्म रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रजिस्टर्स की जो सिक्योरिटी ऑडिट चेकिंग होती है इनकी, मंथली भी होती है एनुअली भी होती है, वो भी अभी ये पेश नहीं कर पाए हैं। फायर अलार्म के इनके सिस्टम्स क्या हैं वो भी अभी ठीक से नहीं दिखा पाए हैं। स्मोक डिटेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, हमने 3 स्मोक डिटेक्टर्स पे फायर और धुएँ से करके देखा है, उसको टेस्ट करके, तीनों ही काम नहीं कर रहे हैं। मॉक ड्रिल्स रिहर्सल्स इनके बीच में कुछ भी तय नहीं है, और एक इनके रिटायर्ड मेजर साहब हैं जो इस काम को देख रहे हैं, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं वो, और किसी के भी मसल मेमोरी में ये चीज़ नहीं है कि अगर इस तरह की घटना हो गई, आग लग गई या कोई लूट की घटना हो गई तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। कैशियर को अपना तत्काल कैश रूम बंद कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए, वॉल्ट और सेफ बंद हो जानी चाहिए, मेन गेट कवर हो जाना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन में अपने वेपन्स के साथ आ जाना चाहिए, जिनके जिनके पास सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है वो अलार्म को प्रेस कर देना चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज़, इनके पास इंस्पेक्टर्स के नंबर नहीं हैं, तो हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप पुलिस से जुड़िए, अगर आप अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं खुद करिए, नहीं कर सकते हैं हमसे जुड़िए, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर रखिए, इंस्पेक्टर्स के रखिए, और अपना सिस्टम दुरुस्त करिए। नहीं तो बाद में जब घटना होती है तो ये होता है कि साहब पुलिसिंग कमज़ोर है या नहीं हो पा रही। आपने देखा, एकमात्र रजिस्टर ये दिखा पा रहे हैं जिसमें पुलिस रेगुलर चेक कर रही है। आज सिक्योरिटी गार्ड का भी वेपन और उसके कारतूस चेक किए गए, वो ठीक कंडीशन में है, लेकिन उसको शायद समझाया ही नहीं गया कि क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो आज की चेकिंग का यही उद्देश्य है कि जो बैंक की कमियाँ हैं हम उनके नॉलेज में ले आएँ, वो अपने आंतरिक सिस्टम को सुदृढ़ करें और हमसे जो मदद चाहिए वो लें, और एक अच्छा सुरक्षात्मक माहौल हम कमिश्नरेट को। लखनऊ से KKD न्यूज़ संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। हरियाणा में बार एसोसिएशन सोहना के पद का चुनाव 6 नवंबर से कराए जाएंगे, जहां प्रधान पद के चुनाव में 3 उम्मीदवार। प्रधान पद के उम्मीदवार सतीश खटाना एडवोकेट ने कहा कि उनका मुकाबला किसी भी उम्मीदवार से नहीं, उन्हें एक तरफा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि जीतने के बाद अधिवक्ताओं के सहयोग से उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। जिन अधिवक्ताओं को चैम्बर अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उन्हें चौथी मंजिल पर निर्माण कार्य कराकर चैम्बर भी आवंटित करा दिए जाएंगे। सतीश खटाना एडवोकेट ने बताया कि कुल अधिवक्ताओं की संख्या 317 है, जो अपने मत का प्रयोग करके प्रधान पद पर विजय बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन के एडवोकेट सतीश खटाना जी, ये बार एसोसिएशन के प्रधान के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। हम इनसे थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं कि सतीश खटाना जी एडवोकेट, आपका चुनाव बारिशन कब का है? अपना ये 6 नवंबर का है जी, अपना सोना जो बारिशन चुनाव है 6 नवंबर का है। कितनी वोट हैं टोटल? टोटल 319 वोट हैं। क्या चल रहा है तुम्हारे इसमें प्रचार में? अभी सभी अपना जो प्रत्याशी अपनी भाग दौड़ कर रहे हैं जी, अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। क्या उम्मीद है आपको? मुझे तो पूरी 100% उम्मीद है जी, और सब भाइयों का साथ मिल रहा है, सब भाइयों को प्यार मिल रहा है जी। आप सबके सहयोग से प्रधान बन जाते हो तो आपका क्या मकसद होगा? पहले प्रतिक्रिया क्या होगी मतलब अधिवक्ताओं के लिए? अधिवक्ताओं के लिए जो अपने वेलफेयर की जितनी भी बातें होती हैं जी, सब में मैं अपना काम करूंगा, और बार के लिए अपना जो भी किसी तरह वकील भाई होगा, जो भी मतलब वेलफेयर का काम होगा उसमें सबसे आगे रहूँगा, और जहाँ तक भी कोई बात आएगी उसको पूरा करूँगा।
अब ये जो बार एसोसिएशन के जो भी वकील हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या तुम पूरी करोगे इसमें? अभी हमारे जो बार के कुछ वकील भाई हैं उनके अभी चैम्बर रह गए हैं, तो उनके टेस्ट वगैरह क्लियर नहीं थे, तो पहले अब उनको सबसे पहले प्राथमिकता उनको चैम्बर देने की होगी, और कुछ जो रह जाते हैं उसके बावजूद भी तो उनको यहाँ बैठने के लिए एक शेड का प्रावधान करेंगे। नए जूनियर जो वकील आगे आएंगे और जो कुछ रह जाएंगे। कितने वकील ऐसे हैं जिनको चैम्बर नहीं मिला? करीब करीब ऐसे हैं जी 50-60 वकील भाई। कारण क्या हुआ? कारण तो ऐसा तो कोई मेन कारण नहीं था, बस वो कुछ चैम्बर्स भी अपना थे और कैसी उसमें ऐसे कोई कारण था नहीं। वैसे जो भी कारण था, देखो जी वो तो ऑफिस भी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। नहीं, जिस हिसाब से जो रह गए थे उन्होंने अपनी फीस भी जमा करी थी, सब चीज़ से क्वालिफाई थे, मतलब कुल मिला के जो अपने फीस में उनके भी वो भी रह गए, उनके कारण क्या था उनको जो रहने? उसके बारे में देखो जी बस इस बारे में बस ऑफिस बियर हैं जो वही बता सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्होंने किया है, क्या किया कैसे किया है। जो अपने प्रधान पद के लिए अपना प्रचार कर, किस तरह से कर रहे हो प्रचार? प्रचार उसमें अपना प्राथमिकता तो अपना सभी भाइयों को एक साथ लेकर के और सबके साथ एक ही, मतलब कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर के चलना और सबके साथ एक ही बात रखनी। अधिवक्ताओं ने आपने मांग तो रखी होगी, भाई आप बन जाओगे तो आप हमारी ये मांगे हैं कि हम इसको पूरा कराना, यही मांगे हैं जी, निष्पक्ष काम करेंगे। और एक ऊपर अभी अगर जो बार मौका देती है तो उसमें अपना एक अभी ऊपर चैम्बर वो बनने हैं उसमें एक बिल्डिंग में, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, एक लिफ्ट है अपनी उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी, और एक अपना चैम्बर से बिल्डिंग को जोड़ना। प्रधान पद के लिए कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट। तुम्हारा मुकाबला किससे होगा? मुझे तो लगता है जी मेरा मुकाबला किसी से भी नहीं है, एक तरफा जीत रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। हरियाणा के सोना से केकेटी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट।